गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे, किससे करेंगे, हैलोजन विनिमय द्वारा। यहाँ देखो, विनिमय एक शब्द आया, विनिमय एक्सचेंज इंग्लिश में बोलते हैं, सब जानते हो, एक लाओ दूसरा ले जाओ, ठीक है, एक लाओ दूसरा लेके जाओ। जैसे देखो, यहाँ हैलोजन है, ये दूसरा हैलोजन हो गया, डिफरेंस करने के लिए इसको एक्स डैश मान लिया है। विनिमय में क्या होता है, इस हैलोजन को हटा देते हैं और इसको लगा देते हैं, ये ही हुआ ना हैलोजन विनिमय। एक को ले गए, एक को ले आए, लाओ और ले जाओ, ठीक है, एक्सचेंज। ज़्यादा टफ वर्ड है नहीं, विनिमय सब जानते हो एक्सचेंज को, एक आएगा दूसरा उसकी जगह निकल जाएगा, ठीक है, ये होता है हैलोजन विनिमय। जहाँ ध्यान रखना, हटने वाला और आने वाला कभी भी बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, इज नॉट इक्वल टू एक्स, इज नॉट इक्वल टू एक्स डैश, यानी दोनों अलग अलग होंगे। अगर दोनों सेम हो गए तो वो विनिमय होगा ही नहीं, ठीक है। हैलोजन विनिमय द्वारा अपन देखो इस टॉपिक में दो रिएक्शनों को पढ़ेंगे, एक तो फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया और एक स्वार्ट्ज अभिक्रिया। फ्रैंक बोल सकते हैं, फ्रैंक बोल सकते हैं, बात एक ही है, स्वार्ट्ज बोल सकते हैं, स्वार्ट्ज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किताब हो तो एक बार देख लेना, उसमें एक ही मात्रा लगी है, क्या लगा है मैटर करता नहीं, ठीक है। अब अपन सबसे पहले देख रहे हैं फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें ध्यान रखना क्या होता है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ध्यान रखना, कैसे रिएक्शन कराते हैं अपन किसी भी एल्किल हैलाइड को। अपन क्या करते हैं फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया में, एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड NaI के साथ क्या करते हैं, अभिकृत कराते हैं, और यहाँ जो माध्यम लेते हैं वो लेते हैं एसीटोन, एसीटोन विलायक हो गया एसीटोन, ठीक है। क्या होता है फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया या अभिकृत कराते हैं, क्या होगा देखो, किस रूप में टूटा अच्छी तरह जानते हैं, आयनिक यौगिक है Na+, I-, ओके, आयनिक यौगिक है तो आयनों में टूटेगा, जो पहले आता है वो धनायन, जो बाद में आता है वो ऋणायन, ये अपन को मालूम है। ये बंध कैसा होता है, ध्रुवीय, ध्रुवीय होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, हैलोजन पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंशिक माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ओके। बताया था मैंने शुरू में, ये बंध ध्रुवीय होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब ये तो भाई तुमको अब तक याद हो जाना चाहिए, क्यों, ये याद होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे इनऑर्गेनिक रिएक्शन में, क्रिया कराओ। अब क्या है, एक का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का माइनस इससे जोड़ दो, तो बताओ क्या बाहर निकला, बोलो। पहले तो मुख्य उत्पाद जो बना क्या बना, इस कार्बन से कौन जुड़ेगा, आई, तो मुख्य उत्पाद बना आई, नाम हो जाएगा क्या, एल्किल आयोडाइड डाइड, एल्किल आयोडाइड, ओके, ठीक है। और जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, NaX। ये एसीटोन क्या करेगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बोनिक विलायक है, ये आयनिक यौगिक है, मतलब ये अध्रुवीय है, ये ध्रुवीय है, ठीक है, इसकी ध्रुवता ज़्यादा है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कार्बोनिक विलायक में ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये घुलते नहीं है, तो ये क्या बैठ जाएंगे, नीचे पात्र में, कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं, ये यहाँ क्या बैठ जाते हैं, पात्र में नीचे। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये NaI तो बैठेगा नीचे और ये आ जाएगा ऊपर, तो इस तरह से अपन उसको सेपरेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब आई क्या क्या सवाल बने, पहला सवाल क्वेश्चन आता है फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया पर टिप्पणी करो, तो सिंपल है, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में
एल्किल हैलाइड सोडियम आयोडाइड से क्रिया कर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हैं। ये अभिक्रिया फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया। इसका मतलब यहाँ क्लियर सी बात ये हो गई कि इस अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, उत्पाद किसका बनेगा? उत्पाद एल्किल आयोडाइड का, एल्किल आयोडाइड का। ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एल्किल हैलाइड से एल्किल आयोडाइड कौन सी विधि द्वारा बनाओगे, तो इस विधि द्वारा बनाओगे। ठीक है, हो गया। दूसरा यहाँ क्वेश्चन आ जाता है क्या, एसीटोन का कार्य। एसीटोन का महत्व क्या, महत्व है सहोत्पाद NaX को क्या करता है, घोलता नहीं है और ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या महत्व है NaX इसमें? नहीं घुलता, नहीं घुलता तथा अवक्षेपित हो जाता है। बस यही है कार्य, और कुछ नहीं है। ठीक है, तीन क्वेश्चन बनते हैं। टिप्पणी पूछ लेता है उत्पाद किसका है और एसीए किसका है। अब आया सवाल किसका, भाई एग्जाम्पल दें इसका, तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसको मिटा देता हूँ मैं, एग्जाम्पल ऊपर दे देते हैं, इसका उदाहरण एग्जाम्पल इजी। क्वेश्चन आएगा CH3 CH2 और क्या Cl, यहाँ वो कह देगा NaI और ड्राई क्या एसीटोन के साथ गर्म कर दो, ये डॉट डॉट डॉट। वो कहेगा अभिक्रिया का नाम, अभिक्रिया उत्पाद को पहचानो, एक नंबर का क्वेश्चन। तो क्या करना है, यहाँ आंसर लिखें तो बोलो अभिक्रिया नाम, अभिक्रिया नाम पूछ लेता है, लिख लेना, बता दिया है। उत्पाद, उत्पाद क्या होगा बोलो, अपन जानते हैं अच्छी तरह कैसे टूटना है, इसकी राम कहानी अब तो समझ गए होंगे। Na+I-, ठीक है, ये बंद ध्रुवीय है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या प्लस, आंशिक लगा लो डेल। ठीक है, डेल बोलते हैं इसको। क्या NaCl बाहर निकला, माइनस NaCl। ठीक है, और मुख्य उत्पाद क्या बना, आई किससे जुड़ गया, इस कार्बन से, तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बना बोलो, CH3 CH2 और क्या आई, एथिल आयोडाइड। ठीक है, अभिक्रिया का नाम खुद लिख लेना, फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया। ये हो गई, फिर बता देता हूँ, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया कर, गर्म कर लो, क्रिया कर, मुख्य उत्पाद के रूप में आयोडाइड बनाते हैं। ये नेम रिएक्शन है तो थ्योरी याद होनी चाहिए। ठीक है, लिख लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट, इधर दूसरी रिएक्शन आती है आपकी 4B, इसी में ही हेलोजन विनिमय में दूसरी रिएक्शन आती है, स्वार्ज अभिक्रिया, स्वार्ज अभिक्रिया। ध्यान रखना, ठीक है, स्वार्ज अभिक्रिया में क्या होता है, देखो यहाँ भारी धातु फ्लोराइड काम आते हैं, क्या भारी धात्विक फ्लोराइड, फ्लोराइड, और भारी धात्विक फ्लोराइड के रूप में आप याद रख लेना, जैसे आपको क्या दे सकता है, AgX सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड, SbF3 काफ़ी सारे दे सकता है, कुछ भी, लेकिन जनरली आपको तो इनको लेके चलेगा वो, इनको। ठीक है, हो गया। तो अब क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल देखो रिएक्शन का, ये आपका क्या हो गया, कोई भी आपने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं किससे, भारी धात्विक फ्लोराइड के साथ, जैसे AgF ही ले लो,
AGF गर्म कर दूँ, कर दिया क्या होगा? कुछ नहीं, वही माइनस और क्या प्लस। अच्छी तरह जानते हैं अपन फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो इस पे माइनस और इस पे क्या प्लस, तो ये माइनस तो जाएगा इस कार्बन पे और ये प्लस किस पे जाएगा इस पे, तो क्या बाहर निकलेगा बोलो? AgX तो बाहर निकलेगा। और ये फ्लोरीन कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पे। तो फाइनल उत्पाद क्या आया बोलो? ये बन गया क्या F, क्या नाम हुआ? एल्किल फ्लोराइड राइड, एल्किल फ्लोराइड। ओके, तो स्वार्ज अभिक्रिया के लिए थ्योरी अगर देखें तो क्या होगा, भारी धात्विक फ्लोराइड को एल्किल हैलाइड के साथ अभिकृत या गर्म करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में किसकी प्राप्ति हो जाती है? एल्किल फ्लोराइड की। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब इसमें आए भाई सवाल कौन कौन, क्या क्या आ सकते हैं? तो पहला तो क्या आ सकता है इसमें सवाल, टिप्पणी लिखवा सकता है, टिप्पणी, टिप्पणी करो, टिप्पणी करो, टिप्पणी पूछेगा। एक नंबर की तो पूरी रामायण लिखनी है, जो बता दी मैंने क्या, भारी धात्विक फ्लोराइड एल्किल हैलाइडों से क्रिया कर एल्किल फ्लोराइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ये हो गई। और फिर इसको लिख देना है। दूसरे नंबर पे यहाँ क्या आ जाता है बोलो, उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद बनेगा एल्किल क्या फ्लोराइड। ओके, तो ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लेता है एल्किल हैलाइडों से एल्किल फ्लोराइड निर्माण की विधि का नाम, तो क्या नाम होगा? स्वार्ज अभिक्रिया। जैसे यहाँ पूछा था ना एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड निर्माण की विधि का नाम क्या है? फ्रैंकलस्टीन अभिक्रिया, ये रही। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन भी बन सकता है एल्किल हैलाइड से एल्किल फ्लोराइड निर्माण की अच्छी विधि कौन सी है, तो कौन सी है? स्वार्ज अभिक्रिया। ठीक है, हो गया। तीसरे नंबर पे यहाँ अपन क्या देते हैं? उदाहरण, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देख लो, बोर्ड में आ गया, मान के चलो ये CH3CH2 और क्या मान के चलो BR आ गया, उसकी रिएक्शन करा दी AgF से, गर्म कर दो भाई, तो क्या होगा? ये Ag इस BR को कौन ले जाएगा? Ag ले उड़ेगा। तो यानी यहाँ से क्या निकल गया? AgBr। क्यों बता रखा है मैंने, इस पे माइनस इस पे प्लस, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बोलो? CH3CH2F। ओके, जी आ गया। ठीक है, एक और ध्यान रखना, एक स्पेशल एग्जांपल दें, कभी कभी दो हेलोजन आ जाएं तो, जैसे एग्जांपल अगर मैं ये दे देता CH3 का होल ट्वाइज CCl2, अब की बार वो रिएक्शन करा देता जैसे किससे, टू टाइम्स ऑफ मान के चलो क्या दे देता, AgF दे देता, गर्म कर देता, तो अब घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ एक आया है, एक हेलोजन है, एक AgF आया है, यहाँ दो हेलोजन है तो दो AgF आ गए, इसका मतलब यहाँ एक है तो एक फ्लोरीन जुड़ेगा, यहाँ दो हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्लोरीन दोनों एजीओं के साथ क्या निकलेंगे बाहर, यानी टू टाइम्स ऑफ एजी क्या सीएल बाहर निकल जाएगा, बचे क्या दो फ्लोरीन, यहाँ से दो क्लोरीन हटे तो ये जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बोलो? CH3 का होल ट्वाइज CF2। ठीक है, आ गया, ये हो गया आपका हेलोजन विनिमय वाला टॉपिक कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो भाई कर लिया, लिख लेना इसको। अब मैं क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घुमा के कैसे देता हूँ, ये तो इजी लग रहा है, अब जब भाई टफ देना होगा क्वेश्चन तो देखो अब मैं बुद्धि कैसे लगाता हूँ। सब कुछ पढ़ रखा है,
जैसे मैं कह देता क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ठीक है, ये करना है। दो रिएक्शन दे देता हूँ, पहले चलो भाई मैंने ले लिया C2H5Cl, ठीक, यहाँ मैं कह देता हूँ डॉट 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 डॉट, ये रिक्त स्थान हो गया एक तरह से, ठीक है, या मैंने कर दिया एसीटोन गरम कर दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने बना दिया आपको चलो C2H5I, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब की बार मैंने क्या किया है, उत्पाद दे दिया है, अभिकारक पूछ लिया है, तो समझ जाओ Cl की जगह I आ रहा है और शुष्क एसीटोन है, तो ये कंडीशन कहाँ आती है, फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया में, ठीक है। और I कब आता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ Na क्या Cl बाहर, तो अब यहाँ क्या लिखोगे बोलो, सिंपल सी बात है, Cl जाएगा Na के साथ, NaCl बाहर और यहाँ क्या आ रहा है I, तो इसका मतलब क्या आएगा कि यहाँ जो निकल रहा है तो Na आएगा और इधर से I आ जाएगा, यानी फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया हो गई, तो यहाँ क्या बनेगा NaI, ये आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब रहता है, यानी वो कसम ही खा लेता है कि अब रिजल्ट को बिल्कुल ही अपने को नीचे ही लाना है, तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपके लिए तो वो सिंपल ये देगा और ये पूछ, ये सब दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है, चलो लिख लो इसको, ठीक। अब नेक्स्ट आए अपन पांचवें नंबर पे, ये अपन ने चौथी रिएक्शन कंप्लीट कर ली, अब आते हैं अपन रिएक्शन फिफ्थ, पांचवें नंबर पे, चलो पांचवी अभिक्रिया में, पांचवें नंबर अपने जो सिलेबस में वो है हुंस-डिकर अभिक्रिया। कौन सी, हुंस-डिकर, हुंस-डिकर अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान रखना जितनी भी अभिक्रियाओं के नाम आ रहे हैं ना उन पर टिप्पणी पूछ लेता है, तो उनके लिए आपको रामायण लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो वीडियो को स्लो करके या बैक लेके आप थोड़ा मेरी हेल्प लेते हुए अपनी थ्योरी लिखना, नहीं अपने हिसाब से क्या लिख देना, थ्योरी लिख देना, बस रिएक्शन सही ढंग से लिखना, रिएक्शन ही पढ़ता है वो, क्यों, अगर रिएक्शन सही लिखी है तो वो समझ जाता है बच्चे ने थ्योरी भी सही लिखी है, और अगर आपने रिएक्शन गलत लिख दी ना तो फिर वो समझ जाता है कि रिएक्शन गलत है तो इसका मतलब थ्योरी भी गलत ही होगी। तो इसलिए ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ का, रिएक्शन सही ढंग से रिप्रेजेंट करना, थ्योरी में तो थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो वो नेगलेक्ट कर देता है उस चीज़ को। आए अपन हुंस-डिकर अभिक्रिया, या इसको अपन और भी कहते हैं बोरोडिन हुंस-डिकर अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है इसमें, देखो इसका प्रिंसिपल देखें अपन, इसमें अपन लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, क्या लेते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं, RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिल्वर क्षार के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, या अपन डायरेक्टली लिख दें H हटा दो और यहाँ क्या जोड़ दो, Ag जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, ठीक है। अब लवण है तो लवण कौन होते हैं, जिनमें प्लस माइनस होता है, तो यहाँ ये धातु है तो इस पर क्या आएगा प्लस, और ये अधातु है ऑक्सीजन, इसकी विद्युतीयता ज़्यादा होती है तो इस पर क्या आता है माइनस, वो ये दे भी सकता है प्लस माइनस नहीं भी दे, तो ध्यान रखना धातु हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी धन विद्युतीय होती है और अधातु विद्युत ऋणी होती है, तो विद्युत ऋणी के कारण माइनस और विद्युत धनी के कारण प्लस। क्या होता है इस अभिक्रिया में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को अपन
किससे? ब्रोमीन के साथ क्या कराते हैं? अभिकृत कराते हैं Br2 के साथ। इस तरह से लिख देता हूँ Br। ब्रोमीन के साथ क्या कराएंगे? अभिकृत कराएंगे। ध्यान रखना, विलायक क्या लोगे? अध्रुवीय विलायक ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसा है? अध्रुवीय। ठीक है, गर्म करो। तो अब यहाँ ध्यान रखना क्या होगा, देखो क्या होना है। एक कम कार्बन का क्या बाहर निकलेगा? उत्पाद। कैसे निकलेगा ये समझो। एक Ag को तो कौन ले गया बोलो? Br ले गया, ले गया। एक तो ये ध्यान रखना, मैं आपको समझाने के लिए लॉन्ग टाइम याद रहे इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। नहीं, एक्चुअलिटी में कैसे क्या निकलता है वो मैकेनिज्म से देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म आगे के चैप्टरों में काम आएगी, इसलिए अपन यहाँ दिखाएंगे नहीं। बस मैं हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे निकलता है तो आपको लंबे समय तक ये याद रह जाएगा। ठीक है, ओके। क्या बाहर निकला बोलो? AgBr। अब क्या करो, इस माइनस को भूल जाओ, तो यहाँ से इस CO2 को बाहर निकाल दो। क्या करूँ मैं, यहाँ से आपका क्या बाहर निकल जाए? CO2। क्या निकल जाए? CO2 बाहर निकल जाएगी। ये गैस है, उड़ जाएगी बाहर। ठीक है, और ये क्या होता है? लिक्विड। तो ये लिक्विड क्या सॉलिड हो जाएगा, लवण बन जाएगा, तो नीचे बैठेगा। ठीक है, ये कहाँ बैठेगा? नीचे। ये तो अवक्षेपित होगा, ये गैस है तो ऊपर उड़ जाएगी। तो अब यहाँ क्या बचा? R, और यहाँ क्या बचा? Br। तो उत्पाद क्या बना बोलो? R और क्या बोलो? Br। क्या नाम हुआ? एल्किल ब्रोमाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोरोडिन हुंसडिकर अभिक्रिया में उत्पाद कौन बनता है? एल्किल ब्रोमाइड, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अम्ल से क्या होती है? कम होती है। कितने कम? एक कम। देख लो, एक कम कार्बन हो गया तो R किससे जुड़ गया? Br से। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ आए कि सवाल क्या आता है, पहला सवाल तो आ जाता है अभिक्रिया पर टिप्पणी। अभिक्रिया पर क्या पूछ लेता है? टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी कैसे करोगे? अध्रुवीय विलायक CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ अभिकृत कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। ये टिप्पणी हो गई। दूसरा, उत्पाद क्या बनेगा? एक कम कार्बन युक्त एल्किल क्या? ब्रोमाइड। ओके, ठीक है, ये बन गया, हो गया। इस अभिक्रिया का महत्व क्यों? आगे अपन आरोहण और अवरोहण पढ़ेंगे, मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में से एक कार्बन को कम करेंगे, एक कार्बन को जोड़ेंगे, तो वहाँ ही कम करने में ये अभिक्रिया काम आएगी। कैसे आएगी आगे देखेंगे, वो अभी नहीं। तीसरा, यहाँ ध्यान रखना, अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक क्रिया विधि लिख लो। हाँ, एक मिनट। मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा क्या? संपन्न। ठीक है, ये हो गई। हाँ, और बाकी का क्या बना? एग्जाम्पल दे देते हैं अपन, कैसे, जैसे वो बोर्ड में जो आता है, मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो बोर्ड में आते हैं। ये दे देगा और क्या कर देगा? Br2, CCl4 क्या कर देगा? गरम। तो यहाँ डॉट 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 लगा देगा और कह देगा अभिक्रिया नाम तथा उत्पाद। अभिक्रिया नाम और क्या पूछेगा? उत्पाद। अभिक्रिया उत्पाद, ये आइडेंटिफाई करवाएगा।
ओके तो सिंपल सी बात है, अभिक्रिया नाम तो क्या हो जाएगा बोलो, हंसडीकर अभिक्रिया। उत्पाद कैसे बनेगा बोलो, अपन जानते हैं एक बी आर ए जी को ले जाएगा, क्या निकला बाहर ए जी बी आर कॉमा सी ओ टू बाहर निकल जाएगा माइनस सी ओ टू, बचा क्या एक बी आर यहाँ बचा सी एस थ्री ए बचा, तो अभिक्रिया उत्पाद क्या होगी सी एस थ्री बी आर, ठीक है ये हो जाएगा, हो गया हाँ ये देख लो। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे लास्ट रिएक्शन देखते हैं, ठीक। छठवें नंबर पे देखो, अब आ जाओ आप एमिनो द्वारा प्राप्त करेंगे, ठीक है क्या प्राथमिक एमिनो द्वारा, प्राथमिक एमिनो द्वारा, ठीक है जी। तो प्राथमिक एमीन से कैसे प्राप्त करोगे, देखो एमीन क्या होती है, ये प्राथमिक एमीन हो गई मान के चलो, ये आर एन एच टू, प्राथमिक एमीन में कौन सा समूह पाया जाता है एन एच टू ग्रुप पाया जाता है, ये ध्यान रखना अभी तो, ठीक है वैसे 11th क्लास में पढ़ा भी है। हो गया ये प्राथमिक एमीन हो गई, जब इस एमीन से की क्रिया अपन किससे कराएं नाइट्रोसिल क्लोराइड से, किससे नाइट्रोसिल क्लोराइड एन ओ सी एल के साथ क्या कराओ अभिक्रिया कराओ, ये लो भाई करा दी। तो आपको ध्यान रखना सी एल आ गया तो इसका मतलब क्या बनना है एल्किल क्लोराइड बनेगा, मुख्य उत्पाद किसका बनेगा आर सी एल एल्किल क्या क्लोराइड का, ओके हो गया। अब आई कि सर हुआ कैसे ये, तो देखो हिंट देते हैं अपन, पहले तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताता हूँ, या पहले चलो हिंट दे देता हूँ मैं, रिएक्शन कैसे होगी ये इस हिंट के थ्रू रिएक्शन होगी, इस एमीन को मैं इस तरह से लिख लाऊं खोल के देखो, आर इस नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं दो जुड़ गए ऐसे, ठीक है हो गया। अब क्या होता है एन ओ सी एल, इसको खोल के लिखें एन ओ सी एल को, तो कैसे लिख रहे हैं देखना सी एल एन डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से इसकी क्या होती है नाइट्रोसिल क्लोराइड की संरचना ये होती है, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं करना, बस कटिंग करनी है, क्या थोड़ी बहुत बुद्धि लगाओ देखो कैसे, एक तो ये कट कर दिया क्यों पहले भी आई है ऐसी रिलेटिव, एक अब क्या कर दिया ये कट कर दिया, बोलो क्या आर तो किससे कनेक्ट हो गया सी एल से, ठीक है तो क्या बना आर सी एल मुख्य उत्पाद हो गया, क्यों आर आ गया। अब क्या ये नाइट्रोजन आपस में जुड़ के क्या बाहर निकल जाएगा बोलो एन टू गैस निकल जाएगी, ये लो भाई निकल गई एन टू गैस, ठीक। अब एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन क्या बनाते हैं बोलो, खूब अच्छी तरह जानते हैं क्या बनाते हैं वाटर, तो यहाँ निकलता क्या है एन टू गैस और एच टू ओ, और सी एल किससे कनेक्ट हो जाता है आर से, इसका मतलब ये आर से कौन जोड़ देना है ये सी एल जोड़ देना है, ठीक है ये हिंट हो गई, ये हिंट याद रखना क्यों क्वेश्चन इससे ही सॉल्व होगा, नहीं रटोगे तो अब रट लोगे 10 मिनट बाद गायब है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पे आए कि सर सवाल क्या आते हैं, पहला या एक तो ये पूछ लेता है ये क्या बला है एन ओ सी एल टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन क्या अभिकर्मक, ध्यान रखना बोर्ड में आता है टिल्डेन अभिकर्मक क्या होता है, यह होता है नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल क्लोराइड नाइट्रोसिल क्लोराइड, ओके सूत्र
जानते ही हैं NOCl, ये सूत्र हो गया, ध्यान रखना ठीक। पहली बात टिल्डेन अभिकर्मक हो गया। अब यहाँ अपन क्या लेते हैं, एग्जाम्पल दे दें कैसे, मैं कह देता C2H5 और क्या NH2, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ टिल्डेन अभिकर्मक से NOCl के साथ, क्या कर रहा हूँ गर्म। वो क्वेश्चन पूछ लेगा अभिक्रिया उत्पाद को पहचानो, तो क्या करना है देखो यहीं बता देते हैं, सिंपल हिंट ये दे दिया, R की जगह क्या आ जाएगा C2H5 आ जाएगा ठीक है। यहाँ देखो डायरेक्ट ही सॉल्व करें क्या, देखो दोनों हाइड्रोजनों को कौन ले उड़ेगा, ऑक्सीजन, क्या बाहर निकल गए H2O ठीक है। अब बचा क्या, इस नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन ले उड़ेगा, क्या बाहर निकला N2, यानी क्या बाहर निकल गया N2 और क्या बाहर निकल गया H2O। बचा क्या रह गया बोलो, इधर C2H5 इधर क्या Cl, तो आंसर क्या आया, आंसर आ जाएगा आपका C2H5 और क्या Cl, ओके ये आंसर आया आपका ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, फिर एक क्वेश्चन मैं देके अपन आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करेंगे ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको एक, चलो क्वेश्चन एक तो दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन बुद्धि लगाना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे अपन इसको सॉल्व करेंगे। मैं दे दिया C6H5COOAG Br2 और CCl4 गर्म कर दिया मैंने डॉट डॉट डॉट, क्या पूछेगा अभिक्रिया नाम, अभिक्रिया नाम और उत्पाद, उत्पाद को पहचानो, एक तो ये हो गया ठीक है। दूसरा सवाल मैं दे रहा हूँ, टिल्डेन, टिल्डेन अभिकर्मक का वही रासायनिक नाम कौमा सूत्र, ये तो टीप लोगे तुम, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, क्लियर दे रखा है। अब यहाँ एक और ध्यान रखना, टिल्डेन अभिकर्मक का रासायनिक नाम कौमा सूत्र तथा इसकी उपयोगिता तथा इसका कार्बोनिक रासायन में या कार्बोनिक अभिक्रियाओं में महत्व, अभिक्रिया में महत्व स्पष्ट करो ठीक है। क्लियर दिख रहा है, इन दो का तो टिप टाप के कर लोगे, इस महत्व को देखना है, आंसर इसी में ही, अब लगाना बुद्धि ठीक है। दो क्वेश्चनों को अपन कल सॉल्व करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।